वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। यह वीडियो है क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो देखे थे बहुत ही बेहतरीन था और समझ में भी आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें करना क्या है, हम लोग को उस समय से एक इक्वेशन दे दिया जा रहा था और इक्वेशन में हम लोग को बोला जा रहा था कि शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के बाद, शून्य का मतलब होता है x का मान निकालिए, यानी मान लीजिए कि द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है 2x² + 3x + 5, ऐसे मान लीजिए, सपोज है कोई भी क्वेश्चन हो, तो हम लोग इसका बोल रहा था शून्यक निकालिए, मीन्स जीरोज निकालिए, फाइंड द जीरोज। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट बीच वाले को तोड़ रहे थे, उसके बाद से इसमें x का मान 2 आ रहा था, ठीक है। जब ये एक दोनों x का मान ही था तो एक को मान ले रहे थे अल्फा और एक को बीटा, ठीक है। और बाद में जांच करना था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना, संबंध बताना था इसमें शून्यक में और इसका जो भी एक कोफिशियंट है यानी कि गुणांक है उसमें। तो उसमें क्या हो रहा था, एक फॉर्मूला होता था अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। ये बताया था कि ये नीचे दोनों तरफ ए रहेगा, ए के बाद पहला ऊपर है तो ए के बाद बी लिखना, यहाँ सी, इसमें माइनस होता है, ए बी सी, ये फॉर्मूला हुआ करता है। इस बार जानते हो क्या क्या है, इस क्वेश्चन में दे दिया है दोनों का मान, माने कि अल्फा और बीटा जोड़ करके दे दिया है, डायरेक्ट जोड़ के दे दिया, अल्फा और बीटा नहीं दिया है, अल्फा और बीटा जोड़ करके और डायरेक्ट आंसर दे दिया है कितना आएगा। अल्फा और बीटा को गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, गुणा करके दिया है, मान लो जितना भी दिया हो, यहाँ 6 दे दिया है। ये नहीं कहिए कि अल्फा का मान ये हो जाएगा 6, ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। अल्फा बीटा जितना भी है दोनों को गुणा करने के बाद से 6 दिया है, ये पता ही नहीं है। 6 का मतलब एक एग्जांपल अपने से दे रहा है, ठीक है। और ये दे दिया है, अब बोला है कि जब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो ये किस टाइप का समीकरण बनेगा, इसका पॉलीनोमियल बताइए, इसका बहुपद, ये बहुपद है ना। तो इस बार उसमें क्वेश्चन दिया था तो आंसर लाना था, इसमें अब आंसर दिया है, इसका मान दिया, इसका मान, अब आंसर से चलना है क्वेश्चन की तरफ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आ गई है, और बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा वो बने। फॉर्मूला से थोड़ा सा जल्दी बन जाता है और अपने से शॉर्टकट या फिर जिस हिसाब से दिमाग ला के बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिसमें समय लगता है वही आपके लिए देखिएगा आसान होगा। समझिए पहले यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इच विद द गिवेन नंबर। यहाँ जो भी नंबर दिया गया उससे क्या करना है, गिवेन नंबर उससे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। कैसे, तो क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात जो बहुपद है वो निकालना है, आंसर दिया है या जो आप क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। एज द सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी सम भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है, जीरोज का यानी कि जो भी एक्स का मान है, दो ठो निकलेगा ना, दोनों का जोग भी दिया है यानी सम भी दिया है और दोनों का गुणा किया जाएगा वो भी दिया है। पहले कितना दिया है, तो एक नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है 1/4 और -1, तो क्या दिया है, सम दिया है, सम मतलब जीरोज का सम, यानी दो ठो जो जीरोज है, एक जीरोज को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, आई दोनों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है ना, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दोनों का जीरो, यानी आप देखिएगा अगर क्वेश्चन में हिंदी वाला में भी यही लिखा है कि योग और प्रोडक्ट यानी शून्यकों का योग और गुणनफल यहाँ दिया गया है नीचे, ठीक है। तो योग कितना है, पहला वाला योग है 1/4, दूसरा वाला गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -1 दिया है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, देखिए कैसे, आप इका पढ़ रहे हो, यहाँ पे देखिए द्विघात पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात, यहाँ पे तो द्विघात है तो जाहिर सी बात है एगो में एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन फॉर्मूला में उसके बाद से एगो एक्स होता है, फिर यहाँ पे कोई नंबर होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका हो गया है कोई भी एक, मान लीजिए कि फॉर्मूला में देखिए क्या होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे आपका प्लस में हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, समझिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, लेकिन इसके भी साइड में एक होता है अल्फा प्लस बीटा। ये आखिर क्यों फॉर्मूला बना, यहाँ से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट भर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ डायरेक्ट भर सकते हैं और आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। कैसे याद रखेंगे, तो पहले किसी में भी एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर कोई नंबर होता है, तो जहाँ नंबर होता है वहाँ अल्फा इंटू बीटा सेट होता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस, और यहाँ माइनस होता है, याद रखिएगा ये माइनस क्यों होता है, याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा जब भी हम निकाले हैं माइनस बी बाई ए निकाले हैं, ठीक है। तो ये वाला माइनस बी यहीं पे ना होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे क्या होता है बी, तो ये माइनस इसमें रहेगा, ठीक है। और यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा होता है,
ये आखिरकार अल्फा प्लस बीटा ये वाला इनटू का है नहीं यहाँ पे हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है और माइनस यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए प्लस इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा याद रखिए यहाँ पे होता है और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू भरिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है वन बाई फोर, एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है माइनस में वन। सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर शून्य के निकालना है, जीरो रखिएगा हमेशा। ठीक है, यहाँ देखिए एक बट्टा चार हो जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस में वन इज इक्वल टू जीरो। जब यहाँ बट्टा वन मान के इसका क्या कीजिएगा बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो कितना होगा, इसका एलसीएम यहाँ पे है एक चार और एक का एलसीएम चार होगा, यहाँ पे बट्टा का जोड़ कीजिएगा एक्स स्क्वायर चार एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स और उसके बाद से माइनस हो जाएगा यहाँ पे यहाँ चार हो जाएगा। ठीक है, बराबर में जीरो, जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो चार में जीरो से गुणा तो जीरो हो जाएगा, किसी अंक में जीरो से गुणा कीजिए वो अपने जैसा बना देता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार इज इक्वल टू जीरो, में चार से गुणा कीजिए या फिर डायरेक्ट जीरो लिख लीजिए। बताइए ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, कैसे समझ में आया, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे जब अल्फा प्लस बीटा दे दिया आई वाला अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ दिया है शून्यकों का योग, एक तो बोल रहा है कि जो भी दिया गया है उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया शून्यकों का योग माने प्लस वाला, शून्यक बोलते हैं अल्फा बीटा को, योग बोल दिया तो जोड़ दिए, ई हो गया क्या आपका इंटू, अब यही फॉर्मूला हम भर दिए एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ एक्स प्लस ई वाला फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा एक्स लेकिन इसके पहले होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, बस यही भर दीजिए इस फॉर्मूला में। आप डायरेक्ट ये भरिए दो दो सब में दिया है कि नहीं, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा, पहला में इसमें भरिएगा वन बटा थ्री इसमें भरिएगा, जीरो भरिएगा यहाँ पे, रूट फाइव भरिएगा यहाँ पे, ऐसे भरते जाइएगा सब इक्वेशन आपका यानी कि द्विघात बहुपद मिलते जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ये रहा फॉर्मूला का बात। ठीक है, आपका एक इक्वेशन बन गया, सेकंड वाला भी बता दे, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला यही तो है, भरिए एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा पहला वाला है रूट टू एक्स, उसके बाद से प्लस अल्फा इंटू बीटा एक बट्टा तीन, बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको सॉल्व करना है तो बट्टा एक मान लीजिए और बट्टा का जोड़ कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा थ्री थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट टू, आपका ये हो जाएगा थ्री रूट टू एक्स और प्लस में वन बराबर में जीरो, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स और प्लस में वन, इस हिसाब से बना सकते हैं। ये तीन कहा गया तो जीरो में तीन से गुणा ये हुआ है तो ये क्या हो गया जीरो हो जाता है, तो ये लिखते ही नहीं है, यही आपका हो गया इक्वेशन। बताइए ये द्विघात है कि नहीं, पावर दो है तो द्विघात बहुपद है, वही तो बना था, आंसर दिया है, क्वेश्चन ये ला देना है। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी सब वैसे ही बनेगा, बस आपको सॉल्विंग प्रॉब्लम आपका जो है वो नहीं होना चाहिए, बीच में आप सॉल्व करने में मिस्टेक करेंगे वही आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और तरीका से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, सोच करके अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए। ठीक है, अब बताइए b बराबर कितना है, b के सामने एक है, a के सामने चार है, अब यहाँ पे भी तो a के बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, अब एक और यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग ये डीपली इसको समझिएगा, मान लीजिए कि a बराबर इधर साइड में हम लिखते हैं, a बराबर आपका कितना है b बराबर वन है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस में वन रहेगा। ठीक है, a बराबर कितना है चार है, तो बाबू यहाँ पे भी तो ये बराबर चार होना चाहिए, तो चार बनाने के लिए यहाँ कितना से गुणा करना पड़ेगा चार से, तो जब नीचे चार से करते हैं तो ऊपर भी अपने मन से चार से करना पड़ेगा। देखिए कभी भी अपने से जो काम करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं, दोनों तरफ बराबर करते हैं, तो चार से यहाँ भी, तो यहाँ देखिए ये क्या बन जाएगा चार एकम चार, अब बट्टा चार एकम चार, ये तो सी बाई ए था ना, अब यहाँ समझिए जब ए बराबर चार हो गया तो ये बराबर यहाँ चार लिख दिया, सी बराबर कितना बना, तो सी बराबर माइनस चार बना, अब हो तो गया इक्वेशन। अब आप तो जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान कितना है तो ए का मान चार है, चार एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी का मान कितना है तो बी का मान माइनस वन है एक्स, और सी का मान कितना है यहाँ पे सी देख सकते हैं। ठीक है, ए बराबर आपका मिल गया ये है, ठीक है सी बराबर माइनस चार होगा, ठीक है तो सी बराबर माइनस चार,
चार एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स, वन नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस चार। अब बताइए ये वाला आंसर और यहाँ पे जो आया है ये वाला आंसर, इन दोनों में कोनो फर्क है? कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतरीन ये रहेगा, ठीक है। फार्मूला, अगर फार्मूला याद नहीं होता है तो ये जनरल फार्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे आपका बन गया। ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा देख लें, ठीक है। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है, क्योंकि एक ही में बन गया है। ये आप न लिखिए तो बेहतर है, ठीक है, जो दिया है वही लिखिए, आपको जो दिया है वही लिखिए, ठीक है। फार्मूला भरिए, समझ में आया है ये वाला तो काफ़ी है, क्योंकि देखिए हम लोगों को ज़्यादा बर्डन लेके नहीं चलना है, हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते में ही पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे, और ये गारंटी है कि आपको 1% प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन ये तीन नंबर, देखिए दो नंबर भी आपको बता दिए हम, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला लिखिएगा एक्स स्क्वायर, पहला किसका वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का, ये अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा जीरो, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, जीरो दिया है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, और उसके बाद से प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट फाइव, ठीक है, एक्स स्क्वायर। बताइए तो किसी भी अंक में जीरो से गुणा करो, सब जीरो, इसका कहानी है, खत्म कर दो, हटा दो, खाली क्या बचेगा, प्लस में रूट फाइव, हो गया कि नहीं इक्वेशन, ये आपका हो गया इक्वेशन। द्विघात है कि नहीं, द्विघात बहुपद है ही, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ही, तो यहीं पे आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर इसका बात करें तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, पहला वाला है वन वन एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, वन है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस में, वन नहीं लिखा जाता, एक्स प्लस वन, हो गया आपका आंसर, ठीक है। द्विघात वही बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, जबकि प्रत्येक में सम और प्रोडक्ट दे दिया है, यानी यहाँ जोड़ भी दिया है, अल्फा प्लस बीटा ही है, अल्फा इंटू बीटा ही है। ये मत समझिएगा कि ये अल्फा है ये बीटा है, ये नहीं है, ठीक है, योग दिया है ना, अल्फा और बीटा जो भी निकाला है क्वेश्चन में अपने से वो लोग बना लिया है बुक में, ठीक है, और डायरेक्ट आंसर निकाला है जोड़ करके, अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा इंटू बीटा ये है, ठीक है, यानी ये सम है, सम मतलब होता है योग, और गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट, यहाँ जो दिया है, ठीक है, तो ये दिया, ये भी अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, इस हिसाब से। अब ये वाला क्वेश्चन आप दो ठो दिया गया है, आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको ज़रूर बना लीजिएगा। अगर ये बहुत ही आपको बेहतरीन लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों वो लोग भी क्या करें, इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में इससे भी मज़ेदार एकदम ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।